प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU की ओर से आयोजित किए जाने वाली विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा WTSA का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में चल रहे ग्राम पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाने से अराजकता पैदा होती है। इसराइल ईरान जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जारी। ब्रेंट क्रूड का मूल्य करीब $2.30 प्रति डॉलर घटकर $76 प्रति बैरल और WTI क्रूड $72 प्रति बैरल पर पहुंचा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भारत का डेटा भारतीय डेटा सेंटर में ही रखने की वकालत की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में डेटा जनरेशन का पैमाना और स्पीड तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तान को 54 रनों से हराकर सेमीफाइनल पहुंचा न्यूजीलैंड के इस मुकाबले में 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 11.4 ओवर में 56 के स्कोर पर सिमटी। भारतीय स्पिन गेंदबाज और ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को नए सिरे से समझाया और इसे खेल का सबसे ऊंचा स्तर का बताया। इजरायली हमलों में तबाह हो चुके गाजा में पोलियो टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू। करीब 6 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP के नेता जगमीत सिंह ने कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नेटवर्क पर बैन लगाने की मांग की। सिंह ने यह बयान भारतीय राजनयिकों के निष्कासन और आपराधिक जांच के संदर्भ में जारी किया। बॉलीवुड सितारे कार्तिक आर्यन और विद्या बालन अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 का प्रचार करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति 16 में नजर आएंगे। बिग बॉस 18 में बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत आएंगी नजर। इस हफ्ते के वीकेंड पर एपिसोड में दर्शकों को मिलेगा खास सरप्राइज।